नमस्कार, मैं स्वेटिशा प्रस्तुत है आपके सामने आज के समाचार। टूनिशिया गर्ल स्काउट्स के साथ इंटरनेशनल सर्फ स्मार्ट 2.0 कार्निवल 2022 का आयोजन बीएसए डिजिटल सर्फ स्मार्ट जनरेशन 2.0 टीम द्वारा किया गया था। प्रत्येक बुधवार को बीएसजी इंडिया के राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा कौशल विकास पर वेबिनार की राष्ट्र स्तर की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। देश भर में भारत स्काउट और गाइड्स की सभी इकाइयों ने 22 फरवरी 2022 को विश्व चिंतन दिवस और संस्थापक दिवस मनाया। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए बीएसजी एनएच के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर। कब्स और बुलबुलों के लिए गोल्डन एरो अवार्ड समारोह 22 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा परिसर गतपुरी में आयोजित किया गया था। 22 फरवरी 2022 को एनवाईसी गतपुरी में आयोजित बीएसजी के मित्रों का अभिनंदन समारोह। भारत स्काउट एंड गाइड्स कर्नाटक ने विश्व चिंतन दिवस 2022 पर जनरल पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में विशेष पोस्टल कवर जारी किया। 17वें राष्ट्र साहसिक कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्र साहसिक संस्थान का आश्रम दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया। बिहार राज्य बीएसजी ने प्लास्टिक टाई टर्नर चैलेंज हीरो स्तर की वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की। पूर्वी मध्य रेलवे राज्य बीएसजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई। मध्य रेलवे उड़ीसा राज्य और दक्षिण पूर्व रेलवे बीएसजी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न। राष्ट्र समाचार। बीएसजी डिजिटल स्मार्ट जनरेशन सर्फ स्मार्ट 2.0 टीम ने टूनिशिया गर्ल स्काउट्स के साथ इंटरनेशनल सर्फ स्मार्ट 2.0 कार्निवल 2022 का आयोजन 18 से 20 फरवरी 2022 तक 2:30 से 4:30 अपराह्न भारतीय समय के अनुसार किया। सर्फ स्मार्ट 2.0 का पाठ्यक्रम यू रिपोर्टर प्लास्टिक टाइट टर्नर हीरो के हीरो लेवल चैलेंज जैसे विभिन्न विषयों पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 35 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्र मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक बुधवार को शाम 4 से 6 बजे तक अपस्किलिंग आवर नेशंस यंग वर्कफोर्स शीर्षक के साथ वेबिनार की एक राष्ट्र स्तर की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। यह वेबिनार 8 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ। 11वां वेबिनार 16 फरवरी 2022 को प्रवीणता बैच स्वस्थ व्यक्ति विषय पर आयोजित किया गया था, जहाँ सत्र को प्रवीणता बैच स्वस्थ व्यक्ति विषय पर बीएसजी तमिलनाडु राज्य के संसाधन वक्ता श्री के कमलाकरण एलटीएस और एसओसीएस द्वारा दिया गया था। भारत स्काउट एंड गाइड्स के सदस्यों द्वारा 22 फरवरी 2022 को लॉर्ड और लेडी बेडन पावल के संयुक्त जन्मदिन को विश्व चिंतन दिवस और संस्थापक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया गया। देश भर में भारत स्काउट एंड गाइड्स की इकाइयों ने इस दिन को शानदार तरीके से मनाया। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे कि सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं, वृक्षारोपण, रक्तदान, वेबिनार, नृत्य, देशभक्ति गीत, भाषण, वीडियो प्रस्तुतियां, स्वच्छ भारत गतिविधि, टाइट टर्नर प्लास्टिक चैलेंज और भारत के महान गायिका लता मंगेशकर और बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि आदि दिन के महत्व को चिन्हित करने के लिए आयोजित किए गए। भारत स्काउट एंड गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय ने 19 से 23 फरवरी 2022 तक राष्ट्र युवा परिसर गतपुरी हरियाणा में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में 15 राज्य संघों ने कुल 279 प्रतिभागियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 19 फरवरी 2022 को डॉक्टर राजकुमार कौशिक, निदेशक भारत स्काउट एंड गाइड्स द्वारा किया गया। श्री एस के विश्वास, स्काउट्स के राज्य आयुक्त पश्चिम बंगाल राज्य बीएसजी भी उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित थे। आयोजन के दौरान देशभक्ति गीत, लोकगीत, लोक नृत्य, राष्ट्र प्रदर्शनी, भारत महोत्सव, भारत विवाह, फूड प्लाजा और राज्य प्रदर्शनी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आयोजन के दौरान 22 फरवरी 2022 को लॉर्ड एंड लेडी बेडन पावल की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर संस्थापक दिवस और चिंतन दिवस भी मनाया गया और स्काउट आंदोलन के संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और थिंकिंग डे फंड एकत्र किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पलवल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मादीप संधू थे। श्री एस के विश्वास, चीफ कमिश्नर ऑफ स्काउट्स भारत स्काउट एंड गाइड्स, डॉक्टर राजकुमार कौशिक, निदेशक भारत स्काउट एंड गाइड्स और एनएचक्यू के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रतियोगिता भी की विजेता इकाइयों को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन श्री अमरबीर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक स्काउट कार्यक्रम और प्रशिक्षण बीएसजी एनएचक्यू के नेतृत्व में किया गया। वर्ष 2021 के लिए कब्स और बुलबुलों के लिए गोल्डन एरो अवार्ड समारोह 22 फरवरी 2022 को भारत स्काउट एंड गाइड्स नेशनल यूथ कॉम्प्लेक्स गतपुरी हरियाणा में आयोजित किया गया था। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कब्स और बुलबुल की ओर से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए
पात्र राज्यों के यूनिट लीडर्स यानी कप्स मास्टर्स और फ्लॉक लीडर्स को ही आमंत्रित किया गया था। 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने पुरस्कार प्राप्त किए। समारोह के में स्काउट्स के मुख्य आयुक्त श्री एस के विश्वास द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। श्री आलोक गोयल राज्य कोषाध्यक्ष भारत स्काउट एंड गाइड्स, डॉक्टर ब्रह्मादीप संधू मुख्य चिकित्सा अधिकारी पलवल, डॉक्टर ये के यादव वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पलवल, डॉक्टर सुरेंद्र आर्य प्रखंड चिकित्सा अधिकारी पलवल, डॉक्टर राजकुमार कौशिक निदेशक भारत स्काउट एंड गाइड्स भी उपस्थित थे। विश्व चिंतन दिवस के अवसर पर 22 फरवरी 2022 को भारत स्काउट एंड गाइड्स के नेशनल यूथ कॉम्प्लेक्स में फ्रेंड्स ऑफ द भारत स्काउट एंड गाइड्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सदस्यों को डॉक्टर ब्रह्मादीप संधू मुख्य चिकित्सा अधिकारी पलवल, श्री श्यामल कुमार विश्वास मुख्य आयुक्त स्काउट्स, श्री आलोक गोयल राज्य कोषाध्यक्ष द्वारा शारीरिक रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार कौशिक निदेशक और सुश्री दर्शना पावस्कर संयुक्त निदेशक भारत स्काउट और गाइड्स भी उपस्थित थे। इस वर्ष श्री शीतल अग्रवाल और श्रीमती पूनम अग्रवाल को BHE चांसलर के रूप में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुल 2 प्लैटिनम, 7 नंबर गोल्ड, 12 नंबर सिल्वर और 42 नंबर कॉन्स सदस्यों को सम्मानित किया गया। विश्व चिंतन दिवस के अवसर पर भारत स्काउट एंड गाइड्स कर्नाटक राज्य ने 22 फरवरी 2022 को जनरल पोस्ट ऑफिस बैंगलोर में विशेष पोस्टल कवर जारी किया। श्री PGR सिंधिया महासचिव अध्यक्ष इन काउंसिल BSG इंडिया और भारत स्काउट एंड गाइड्स कर्नाटक के राज्य मुख्य आयुक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में श्री एस राजेंद्र कुमार IPOS मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कर्नाटक सर्कल और श्री LK दास पोस्ट मास्टर जनरल बेंगलुरु मुख्यालय क्षेत्र में उपस्थित थे। भारत स्काउट एंड गाइड्स नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट कारशांग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल द्वारा 21 से 25 फरवरी 2022 तक 17वें राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और राजस्थान राज्य के 88 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 22 फरवरी 2022 को कार्यक्रम के दौरान विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पामपुम पारे जिले में भारत स्काउट और गाइड ने 20 फरवरी 2022 को एक दिवसीय लंबी पैदल यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 40 स्काउट्स गाइड्स और यूनिट लीडर्स ने भाग लिया। मिजोरम राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स ने 22 फरवरी 2022 को निदेशक खेल और युवा के कक्ष में मिजोरम राज्य के मुख्य आयुक्त के रूप में मिजोरम सरकार के खेल और युवा सेवा विभाग के निदेशक श्री जोसेफ H और अलंकरण समारोह का आयोजन लाल राम संगा MCS सेवाएं आइजोल मिजोरम ने किया। केरल राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स ने 19 फरवरी 2022 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र नादुवधुर में रोवर्स और रेंजर्स के लिए राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। 34 रोवर्स और 2 रेंजर्स ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। आंध्र प्रदेश राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स ने 21 फरवरी 2022 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र मछलीपट्टनम में स्काउट्स के लिए राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें 73 स्काउट्स ने भाग लिया। विश्व चिंतन दिवस के अवसर पर भारत स्काउट एंड गाइड्स कर्नाटक राज्य ने 22 फरवरी 2022 को श्री कोडानजी बसप्पा हॉल केंद्रीय कार्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया। भारत स्काउट एंड गाइड्स जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के स्काउट्स गाइड्स रोवर्स और रेंजर्स ने 16 फरवरी 2022 को एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली मुख्य सड़कों में से चली और नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और उन्हें प्रेरित किया 20 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान करेंगे। रैली में शहर के घंटाघर पर मानव श्रृंखला भी बनाई गई। रैली के दौरान विभिन्न जिला अधिकारी और जिला नोडल मतदान अधिकारी भी उपस्थित थे। हरियाणा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स जिला पलवल ने रामानुज BEd कॉलेज में 21 से 23 फरवरी 2022 तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। प्रशिक्षण शिविर में 200 प्रतिभागियों ने भाग। आजादी का अमृत महोत्सव इस अवसर पर पुकार के नाम पर एक वेबिनार का आयोजन भारत स्काउट एंड गाइड्स उड़ीसा राज्य द्वारा 17 फरवरी 2022 को किया गया था। वेबिनार का उद्घाटन डॉ. काली प्रसाद मिश्रा राष्ट्रीय उपसभापति सह राज्य मुख्य आयुक्त उड़ीसा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स एवं SJ अमरजीत दास लेफ्टिनेंट कर्नल भारतीय सेना और राज्य के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वच्छ भारत अभियान गतिविधि का आयोजन 17 फरवरी 2022 को उड़ीसा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स के सदस्यों द्वारा अपने परिसर की सफाई करके किया गया। 19 फरवरी 2022 को आद्रा जवाहर ग्रुप ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड्स के सदस्यों द्वारा राज्य प्रशिक्षण केंद्र दक्षिण पूर्व रेलवे में वृक्षारोपण किया गया। 17 से 20 फरवरी 2022 तक राज्य समन्वयक श्री बैजनाथ प्रसाद ने नेतृत्व में बिहार राज्य द्वारा प्लास्टिक टाइटनर चैलेंज हीरो स्तरीय वर्चुअल
रिव्यू मीटिंग जिला समन्वयकों के साथ 4 चरणों में आयोजित की गई थी। समीक्षा बैठक में अररिया, खगड़िया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया व सिवान के में भाग लिया। भारत के महान नायक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवाजी ओपन ग्रुप ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड्स पूर्व मध्य रेलवे दानापुर ने 19 फरवरी 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विभिन्न प्रतिभागियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 40 सदस्यों ने भाग लिया। फिट इंडिया के तहत आगरा जिला दक्षिण पूर्व रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड्स के सदस्यों द्वारा साइकिल हाइक का आयोजन किया गया। इस हाइक में आगरा जिला संघ के जवाहर गुरु समूह के 15 स्काउट्स ने भाग लिया। दक्षिण पूर्व रेलवे राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स जिला चक्रधरपुर ने 2 चरणों में प्लास्टिक टाइटेनियम चैलेंज चैंपियन हीरो लेवल का आयोजन किया। एक पहला चरण 18 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया था। इस दिन कई गतिविधियां जैसे गाइड और रेंजरों द्वारा प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा, फेस पेंटिंग, प्लास्टिक को ना कहें, सफाई कार्यक्रम और गाइड प्रवेश स्तर के पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था। 20 फरवरी 2022 को दूसरे चरण में प्लास्टिक जागरूकता पर रोड शो और रैली, डोर टू डोर अभियान, दुकानदार को प्लास्टिक का उपयोग ना करने, ब्यूटन झील की सफाई आदि गतिविधियां का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 20 सदस्यों ने भाग लिया। टाइटनर प्लास्टिक चैलेंज के तहत 22 फरवरी 2022 को उड़ीसा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स के सदस्यों द्वारा प्लास्टिक का उपयोग बंद करने पर फेस पेंटिंग का आयोजन किया गया। पूर्व मध्य रेलवे उड़ीसा राज्य और दक्षिण पूर्व रेलवे के भारत स्काउट और गाइड्स के 10 सदस्य 750 मिलियन सूर्य नमस्कार के बैनर तले नियमित अभ्यास में भाग लेकर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जिला प्रशासन कोरबा ने 18 फरवरी 2022 को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय पोड़ी लाफा में कोविड टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया, जहाँ स्काउट्स एंड गाइड्स ने सेवाएं दी। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जिला संघ के संयुक्त तत्वावधान में मध्य प्रदेश और प्रियो फाउंडेशन 17 फरवरी 2022 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्र स्तर पर एडवोकेसी चैंपियंस और पीयर ट्रेनर ट्रेनिंग हीरो लेवल पर एक वेबिनार भारत स्काउट एंड गाइड्स राष्ट्र मुख्यालय द्वारा वस्तुतः 24 और 25 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया। वेबिनार में लगभग 200 प्रतिभागी और सहायक कर्मचारियों ने भाग लिया। वेबिनार का उद्घाटन 24 फरवरी 2022 को डॉक्टर राजकुमार कौशिक, निदेशक भारत स्काउट एंड गाइड्स के संयुक्त निदेशक गाइड श्रीमती दर्शना पवस्कर की उपस्थिति में किया गया। श्रीमती पवस्कर ने स्काउट्स एंड गाइड्स को आगे आने और प्लास्टिक हीरो के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में भी योगदान दिया। एडवोकेसी चैंपियंस और वेव मेकर पर सत्र रोजो प्रोजेक्ट मैनेजर वैक्स और पामेला असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर वैक्स द्वारा लिया गया। श्री बबलू गोस्वामी आई सी सहायक निदेशक के नेतृत्व में हिमांशी तोमर, अंकिता पांडे, शार्मिन बानो, संघमित्रा गौतम, तेजस्वनी मिश्रा, रिमझिम, दीपांजलि और देवाशीष के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम पर प्रतिभागियों ने एक प्रस्तुति तैयार की। नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। The Hero Level of Plastic Tag Tunnels Challenge focuses on advocacy and called wave makers. Thank you very much for all your great work. We can see that we can see your hard work. And yeah, thank you very much. Roju, thank you so much. You have already explained so well that what our peer trainers have to do in the breakout room. वेबिनार की एक राष्ट्र स्तर की श्रृंखला अपने ज्ञान को बढ़ाए स्काउटिंग गाइडिंग को जाने के लिए राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 30 जनवरी 2022 से शुरू किया गया। वेबिनार सैल्यूट मोटो एंड लेफ्ट हैंड शेक विषय पर आयोजित किया गया था, जहाँ सत्र 20 फरवरी 2022 को तमिलनाडु राज्य के सहायक लीडर ट्रेनर रिसोर्स स्पीकर सुश्री रिम फ्रांसिस द्वारा दिया गया था। कोविड खबरें। एसई के सदस्य रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड्स आगरा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने मंडल रेल प्रबंधक
एसई रेलवे कार्यालय में थर्मल प्रशिक्षण और सैनिटाइजर वितरित करके अपनी सेवाएं प्रदान की। उड़ीसा राज्य के गंजम जिले के स्काउट्स भारत स्काउट एंड गाइड्स ने 21 फरवरी 2022 को पुलिंग क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजर वितरित करके कोविड जागरूकता फैलाई। मणिपुर राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स के राज्य मुख्य आयुक्त श्री एबो पिशाक सिंह ने 23 फरवरी 2022 को अंतिम सांस ली। उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न क्षमताओं में मणिपुर राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स की सेवा की। आगामी कार्यक्रम नेपाल स्काउट के साथ अंतर्राष्ट्रीय सर्फ स्मार्ट 2.0 कार्निवल 2022। अधिक जानकारी के लिए कृपया NHQ सर्कुलर नंबर 32/2022 दिनांक 18/2/2022 देखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 #BreakTheBias। अधिक जानकारी के लिए कृपया NHQ परिपत्र संख्या 33/2022 दिनांक 19/2022 देखें। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक NAI कार्शोंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में राष्ट्र साहसिक कार्यक्रम। अधिक जानकारी के लिए कृपया NHQ परिपत्र संख्या 24/2022 दिनांक 3/2022 देखें। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक NAI पंचमढ़ी में राष्ट्र साहसिक कार्यक्रम। अधिक जानकारी के लिए कृपया NHQ परिपत्र संख्या 14/2022 दिनांक 13/1/2022 देखें। BSG अवार्ड 2021 के दूसरे उत्कृष्ट स्काउट और गाइड्स। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 156/2021 दिनांक 23/11/2021 देखें। एशिया पैसिफिक लीडरशिप अवार्ड 2023 यूनिट लीडर्स डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमिश्नर्स सर्विस टू गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट्स गाइड विंग के लिए। अधिक जानकारी के लिए NHQ सर्कुलर नंबर 145/2021 दिनांक 28/10/2021 देखें। We'll be right back.